वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप प्लीज सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। क्या हो रहा है यहाँ पर, आज जो है हम खूब सारी मछलियाँ लेकर आए, फिशेस लेकर आए। आपको पता है मुझे गोल्ड फिश बहुत पसंद है। पहले मेरे एक्वेरियम में दो थी, तो एक जो है वो मर गई थी। उस बेचारी को जो है काफ़ी टाइम हो गया था, 3 महीने मेरे पास गोल्ड फिश रही है। उसके बाद एक मर गई, एक अकेली रह गई थी। तो फिर नमाज़ के लिए गए थे, तो वहाँ से गोल्ड फिश लेकर आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, घर में अच्छी लगती हैं। गोल्डन गोल्डन सी, ऑरेंज ऑरेंज सी फिशेज मैं शुरू से ही अपने घर में जो है एक्वेरियम एक रखती ही रखती हूँ। देखें कितनी प्यारी हैं, ऑरेंज कलर की। अच्छा, मेरा दिल किया, मैंने कहा दो क्यों लेकर आए, और लेकर आओ, मुझे और चाहिए। तो फिर जो है मैंने और मंगवाई थी फिशेस। यहाँ पर इसको शॉपर के अंदर ही रखा था, क्योंकि इनकी जो है इतनी ज़्यादा एज नहीं होती, ये जल्दी मर जाती हैं। तो फिर इनको पहले शॉपर के अंदर डाल कर ही ना, जिस शॉपर में लेकर आए थे वो एक्वेरियम में डाली, और ना 5-10 मिनट के लिए रखा, और उसके बाद जो है एक्वेरियम के पानी में फिशेज़ जो है मिक्स करके रखी। यहाँ अनस भी जुम्मे के लिए निकले हुए थे, उमैमा जो हैं ये लोग सिपारे के लिए जा रहे थे। फिशेस देखकर, मछलियाँ देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। यहाँ और भी आ गई थी, अब गोल्डन कलर की आई थी, क्योंकि जो है पहले ऑरेंज लेकर आए थे। मैंने कहा ब्लैक मुझे चाहिए, ब्लैक का भी जोड़ा लेकर आओ, और गोल्डन भी लेकर आओ और ऑरेंज भी लेकर आओ, क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त लगती है। कलरफुल कलरफुल चीज़ें जो है ना अट्रैक्ट करती हैं। और मैं घर में अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए और सिपारे के लिए चले जाते हैं, तो फिर जो है मैं इन चीज़ों से जो है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, चैनल किस तरह ग्रोथ किया, मैंने चैनल किस तरह ग्रोथ किया यार, वीडियोस डाली मैंने, क्या किया मैंने, रेगुलर वीडियोस डाली हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब काम शुरू किया था, तो मैंने बिल्कुल काम छोड़ दिया था। 2 महीने मैंने वीडियोस डाली थी, उसके बाद मैंने कहा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैंने जो है यूट्यूब का काम छोड़ दिया था, और उसके बाद जो है बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने अपना चैनल जो है ना, सिर्फ वीडियोस डालनी बंद कर दी थी, कोई व्यूज़ नहीं आते थे। तो जाहिर सी बात है, आप काम करना छोड़ दोगे तो फिर आपको कौन देखेगा। इसलिए मेरा यही कहने का मकसद है कि जो जो मुझसे पूछ रहे ना, आपने कैसे अपना चैनल ग्रो किया, मैंने इस तरह ग्रो किया, मैंने डेली के स्टार्टिंग में व्लॉग्स वगैरह डाले। अभी फिर भी मेरा 1-2 दिन लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं व्लॉग्स जो है अपने टाइम टू टाइम डाल रही हूँ। आप टाइम रखें ना, आप 1 दिन का व्लॉग डालते हैं, आप 1 दिन गैप करके डालते हैं, 1 दिन गैप करके अपनी वीडियो डालें, 2 दिन का गैप करके डालते 2 दिन, 1 वीक के लिए गायब नहीं हो, 1 मंथ के लिए गायब नहीं हो। आप जब YouTube पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको रेगुलर रखें। यहाँ जो है बच्चे सिपारे के लिए चले गए थे, तो मैं इनके लिए फ़्राइज़ बना रही थी, क्रिस्पी चिकन बोटीज़ मैंने बनाई थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़्राइज़ को मैं कट करके पानी के अंदर डिप करके रख दूँगी, जब बच्चे आएंगे ना। साथ मैंने बन गोभी का कैबेज बना लिया था, कॉल्सलो बना लिया था, इसके अंदर मैंने सिंपल प्लेन मेयोनेज डाला था, सॉल्ट डाला था और ब्लैक पेपर डालकर वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। साथ चिली गार्लिक सॉस रखूँगी, और जो है आज बच्चों का जुम्मे के दिन का लंच जो है मैंने सिंपल सा प्लेन सा रखा, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा नहीं खाना था, तो मैंने चलो कहा आपको क्रिस्पी चिकन पोटीज़ बना दूं और साथ फ्राइज़ बना दूं। मैरिनेट करके मैंने चिकन जो है वो रख दी थी, बस जो है मुझे फ्राई करना था। फ्राई करते करते मैं आपके साथ थोड़ी रेसिपी शेयर कर दूंगी, सिंपल सा मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिंपल सी चीज़ें डाली हैं और ना पोटीज़ रेडी कर ली हैं। अच्छा जी, शॉर्ट आउट का ये है कि मैं वीडियो बनाकर डाल देती हूँ चैनल पे, जो है अपलोड कर देती हूँ, और मेरे जहन में नहीं रहता। रूटीन बनाऊँगी मैं अपनी, कि मैं अपने जो है जितने मेरे फैंस हैं, मेरे इंस्टा फॉलोवर्स हैं, जो मुझे बोलते हैं, उनका मैं शॉर्ट आउट दे सकूँ। पूरी पूरी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो बनाते हुए और वीडियो का जब मैं एडिटिंग करती हूँ, तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि मुझे शॉर्ट आउट भी देना है। तो इसलिए जो है अब पूरा रेगुलर रखूँगी कि हाँ भाई, जो ज़िम्मेदारी मेरे सर पे है उसको मैं पूरी कर सकूँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी। घर में बिज़ी, बच्चों में बिज़ी, तो फिर एक काम
काम से हटो, दूसरे काम में व्लॉग्स बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाना, वीडियो बनानी, उसको एडिट करना। म्यूज़िक का मुझसे पूछ रहे थे आप कौन सा म्यूज़िक डालती हो। अच्छा, मेरे म्यूज़िक पे मैंने जो म्यूज़िक यूट्यूब पे यूज़ किया उसमें मेरी भी एक दो वीडियोज़ पे कॉपीराइट क्लेम आया। कॉपीराइट क्लेम आना इतनी कोई बुरी बात नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता, हमारी वीडियो पे इतना ख़ास असर नहीं पड़ता। उस पे ये है कि इस वीडियो से जितनी हमारी इनकम बनती है वो हमें नहीं मिलेगी, ये वीडियो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी। जिसका हमने म्यूज़िक ऐप से हमने म्यूज़िक लिया है ना, वो ऐप को ही वो सारा प्रॉफिट जाएगा। जो यूट्यूब की जिस जो वीडियो पे कॉपीराइट आएगा ना, उसी वीडियो का जितना इनकम है वो उन म्यूज़िक वालों को जाएगा, हमें नहीं जाएगा। यहाँ पर मेरी क्रिस्पी बॉडी जो है वो रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर इतना कोई ख़ास सामान डाला नहीं था। मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला था, मैंने इसके अंदर चिकन के पीसेस किए थे आधा किलो जितनी, मैंने चिकन ले ली थी, बोनलेस चिकन ली थी। उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाली थी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला था, चिली फ्लेक्स डाले थे, गार्लिक पाउडर ऐड किया था, 1 टेबल स्पून सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसको मैदे की कोटिंग कर दी थी। अच्छा, आपके पास अगर जिन गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जो है लहसुन को भी कूटा लगा के वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरी चिकन फ्राई हो गई थी, पहले इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया था, क्योंकि बोनलेस चिकन थी तो इसको अंदर तक जो है जूसी भी रखना था और ना इसको ऊपर से क्रिस्पी भी रखना था, तो इसलिए मैंने इसको पहले लो फ्लेम पे फ्राई किया, फिर उसको लाइट गोल्डन कलर का कलर दे दिया था। यहाँ मैंने फ्राइज़ भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि बच्चों ने ना उधम मचाई हुई थी, मम्मा जल्दी करें जल्दी करें, तो मैंने इनकी ना एक एक प्लेट जो है वो रेडी कर दी थी। मैंने कहा चलो आप लोग खाओ खाना, तो उसके बाद जो है मौसम बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था। मैं जो हूँ इसमें से एक दाना खाऊँगी, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा फ्राई फूड होता है, फ्राई फूड में जो है मुझे ज़्यादा, आपको पता है डाइट वगैरह करती हूँ, तो इसमें जो है मैं फ्राइड चिकन वगैरह, फ्राइड समोसे वगैरह इससे दूर ही रहती हूँ। बारिश का यहाँ पर मौसम हो गया था, डाइट का भी मैं आपके साथ पूरी वीडियो एक शेयर करूँगी कि मैंने अपना कैसे वेट लूज़ किया था, क्या चीज़ें यूज़ की थी, और ना आपके साथ वो भी वीडियो पूरी शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है खूब मज़ेदार सी आइसक्रीम ऑर्डर की थी अल्पाइन से, अल्पाइन नज़दीक रहता है तो इसलिए मैं वहाँ की बहुत, मुझे वहाँ का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आप पिस्ता और काजू भी वहाँ का ट्राई करिएगा, वो बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम लोगों ने पिस्ता मंगवाया था और काजू फ्लेवर मंगवाया था। ये मैं अपने लिए और अनस के लिए बॉल निकाली, क्योंकि खाना मैंने खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं आइसक्रीम टेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तभी बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो मेरे ब्लॉग्स की, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी ना। कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आप लोग करते हैं। अच्छा, मैंने जो ये अपनी जितना आज वीडियो में जितना बताया है, मेरी इंस्टा फैमिली बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल कर रही थी, उनके लिए मैंने बताया। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। YouTube की फैमिली भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, इंस्टा की भी फैमिली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने का, इतना सपोर्ट करने का और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा अपनी बहन को, अल्लाह हाफिज़।